चंद्रमौली महादेव मंदिर में हवन का किया गया कार्यक्रम। मॉनसून की ऋतु आने के बाद भी बारिश नहीं होने के कारण पेयजल की किल्लत होने की संभावना बनी हुई है। जिले के कई हिस्सों में पानी की समस्या है और बारिश नहीं होने से लोग परेशान हो गए हैं। वहीं किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। उसी को लेकर इंद्र देवता को मनाने के लिए चंद्रमौली महादेव मंदिर में हवन यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया। जानकारी देते हुए संदीप तंवर ने बताया कि अच्छी वर्षा की कामना को लेकर चंद्रमौली महादेव मंदिर पर इंद्र यज्ञ का आयोजन किया गया है। यज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं ने आहूतियाँ दी और अच्छी वर्षा और कोरोना महामारी से जल्द निजात मिलने की भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की है। ये अपने पीरमिठा गली के अंदर चंद्रमौली महादेव मंदिर है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो सावन का पहला सोमवार था उस समय बहुत अच्छी बारिश आई थी। उसके बाद ऐसा लगता है जैसे इंद्र भगवान हमसे रूठ गए हैं, बारिश नहीं हो रही है। तो उसके संदर्भ में आज हमने चंद्रमौली महादेव मंदिर के अंदर सारी विकास समिति ने मिलके आज ये कार्यक्रम रखा है हवन का, जिसके अंदर कि महादेव प्रसन्न हो, अच्छी बारिश हो। जैसे कि आपको पता है कि अभी कोरोना की जैसी महामारी चल रही है और सारे देश में व्यापार भी ठप पड़ा हुआ है और आमजन भी काफ़ी परेशान है। तो महादेव जी से यही प्रार्थना की जाए गई आज के हवन के कार्यक्रम के अंदर कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर खुशहाली हो और अच्छी बरसात हो और सभी जो बीमारी जिससे हम जूझ रहे हैं उससे जल्दी हमको निजात मिले। संदीप तंवर।